हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में यूज की जाने वाली फ्रिक्वेंटली शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट की का यूज क्यों करते हैं? हम अपने काम को एक शॉर्टकट के वे के माध्यम से तेज़ी से करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की। यानी हम एक्सेल में ये दिए गए सभी मेन्यू का उपयोग ना करें और उसको शॉर्टकट के माध्यम से करें, तो ये क्या होता है, हमारे टाइम को कम कर देता है और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो उसके लिए हम जानेंगे आज कई सारी शॉर्टकट की में से 7 मोस्ट यूज्ड शॉर्टकट की को जानेंगे, जिसमें रहेगा ऑटो सम। तो चलिए पहले देखते हैं ऑटो सम के बारे में। उसके लिए हम डेटा लिए हुए हैं। ऑटो सम यूज कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास कई सारी रो और कॉलम में डेटा है, न्यूमेरिक डेटा को आप सम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो होम मेन्यू में ऑटो सम का यूज करेंगे या फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस कर देने पर आपका ये सम कर दे, रो वाइज भी सम कर सकता है और यहाँ पर कॉलम वाइज भी। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट और इक्वल टू। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेता है रेंज और उसके बाद इंटर की प्रेस करना है तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। देखिए तीनों का ऐड होता है 900। ठीक इसी प्रकार हॉरिजॉन्टली भी आपको यदि ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जहाँ पर ऐड यानी सम कराना है वहाँ पर कर्सर से क्लिक करना है और अल्ट और इक्वल टू की बटन प्रेस करनी है एक साथ, तो ये सेलेक्ट कर लेगा रेंज और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका यहाँ पर कहीं पर ब्लैंक है तो क्या करेगा, उस दौरान ये ब्लैंक से पहले तक की सेल्स को सेलेक्ट करेगा और उसको सम करा देगा। ठीक है, तो जहाँ तक आपको ऐड कराना है वहाँ तक पूरी सेल्स फिल होनी चाहिए। तो ये था सम। दूसरी शॉर्टकट की बात करें तो होता है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े डेटा में काम कर रहे हैं या फिर नया डेटा आपके पास आया, तो क्या होता है जैसे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का डेटा आया या फिर कार या बस ट्रक के डेटा आए, उसमें आपको ये देखना होता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। देखिए मान लीजिए मैंने इस एग्जाम्पल के तौर पर डेटा लिया हुआ, यहाँ पर दो कई बार आया है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कई बार आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी, इस तक तीन भी आया, यानी ये डुप्लीकेट होता गया है और यहाँ भी डेटा भी डुप्लीकेट है। तो क्या करना होता है, हमें रिमूव करना हो तो शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम। यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होगी, यहाँ पर किस डेटा पे हम रख देंगे कर्सर पॉइंटर को और अल्ट ए एम प्रेस करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है हमारे सामने। हम डायलॉग बॉक्स को देख लेते हैं, ये आता है रिमूव डुप्लीकेट का। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक सेलेक्ट ऑल और अनसेलेक्ट ऑल। तो हमें ये क्या करना है, अनसेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें यूनिक वैल्यू पर लेना है, जैसे सीरियल नंबर यूनिक है, एम्प्लॉई का एम्प्लॉई कोड यूनिक हो सकता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, बस कार की चेंजेस है तो चेंजेस नंबर यूनिक हो सकता है। तो हमें यूनिक ही लेना है। ओके, यूनिक डेटा पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके बाद ये बता देगा कि कितनी डुप्लीकेट थी और कितनी यूनिक बची। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये बता देता था 6 वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू थी फाउंड हो गई 6 और 3 यूनिक थी, तो उस यूनिक को इसने रख दिया है। तो हमने शॉर्टकट की जो यूज की थी अल्ट ए एम एक साथ प्रेस करते हैं तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। तीसरी शॉर्टकट की बात हम बात करें तो हमें क्या होता है, हम कई बार हमें सीरियल नंबर इनपुट कराने होते हैं, तो क्या होता है बहुत सारे बड़े डेटा में हमें सीरियल नंबर इनपुट कराने होते हैं, क्या करना है, हमें अल्ट ई आई एस शॉर्टकट की यूज करना है। तो करना क्या है, पहले हमें एक अंक लिख देना है, उसके बाद कॉपी कर लेना है और जहाँ तक आपको इंटर कराना है उसको सेलेक्ट करके अल्ट ई आई एस प्रेस करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सीरीज का आपके सामने। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ओके प्रेस कर देना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक सीरियल नंबर को इंसर्ट कर देता है। तो अल्ट ई आई एस शॉर्टकट की होती है सीरियल नंबर को इंटर करने की। शॉर्टकट की इसी क्रम में फिल्टर द डेटा, यानी सबसे ज़्यादा जो हम यूज करते हैं अपने डेली वर्क में वो होता है फिल्टर करना, अपने मनचाहे डेटा को फिल्टर करके उसको शो कराना। तो क्या होती है शॉर्टकट की, इसकी होती है दो। पहली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये फिल्टर लगाने के लिए भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एल एक साथ प्रेस करके रखना है और हटाने के लिए भी होता है। इसके अलावा अल्ट ए टी फिल्टर लगाने के लिए भी और हटाने के लिए भी यूज की जाती है। तो ये था फिल्टर द डेटा। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो रिपीट लास्ट एक्शन, यानी जो आपको रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपने काम किया हो लास्ट में दोहराया हो। मान लो यहाँ पर आप कलर दे रहे हैं एग्जांपल के लिए, आप जो भी काम करेंगे इसको आप बार बार यहाँ पर मेन्यू पे जाके फिर से इसे क्लिक करके ना लाएं, उसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की का यूज करते हैं। फंक्शन में F4 प्रेस करना होता है तो जो आपने लास्ट बार किया, चाहे कलर किया हो या आपने फिल्टर किया हो, वो आपके लास्ट एक्शन को दोहराता है। ये इसके लिए हमने F4 फंक्शन की का यूज किया है।
अब हम लाफ्ट की दो शॉर्टकट की जो कि हम यूज करते हैं, कभी हमें टाइम इंसर्ट करना होता है और डेट इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम जो यूज करेंगे शॉर्टकट, तो सबसे पहले हम देखेंगे करेंट डेट इंसर्ट कैसे करना है। जैसे आज की तारीख है 17 सितंबर, 17 सितंबर इंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और कॉलन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये डेट को इंसर्ट कर देता है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो ये था कंट्रोल और कॉलन। ठीक इसी प्रकार करंट टाइम को यदि हमें इंसर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे जहाँ पर हमें इंसर्ट कराना है। तो ये देखिए यहाँ पर टाइम आ गया है और यहाँ पर इंटर कर देंगे तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आज की शॉर्टकट की का पहला भाग। ठीक इसी प्रकार आप शॉर्टकट की अन्य पार्ट्स रिलीज किए जाएंगे। इन शॉर्टकट की में जो भी शॉर्टकट की आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कमेंट करके बताएं, और उसको और किस कितने अन्य तरीकों से आप यूज कर सकते हैं ये भी बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।